अस्सलाम वालेकुम नमस्ते दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे सुबह का समय हो गया है यहाँ पर हम उठ गए हैं आज का बलॉग में हम क्या क्या करेंगे हम आप लोग के पास शेयर करेंगे अगर मेरा बॉलॉग चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आज हम बॉलोग चैनल में एक छोटा सा टिस्ट लेके आए हैं देखिए यहाँ पर हम एक काला चाटू हम दिखा रहे हैं एकदम काला है देखिए कोयला जैसा चाटू हो गया है एकदम जल के राख हो गया है और हम ये वाला किस तरह साफ़ करेंगे आसानी से हम आप लोग के पास शेयर करेंगे एकदम छोटा सा टिप से जरूर आप लोग का पसंद आएगा पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग जो लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कमेंट करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हम गैस चालू करेंगे और यहाँ पर हम चाटू को गर्म होने देंगे यहाँ पर अच्छा से गर्म करेंगे जब तक धुआँ नहीं आएगा तब तक हम चाटू को गर्म करेंगे और बहुत ही आसानी से हम इसको साफ़ करेंगे जिस तरह मार्केट से लाते हैं चाटू उसी तरह हम साफ़ करके हम अप लोग के पास शेयर करेंगे और देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है और धुआँ भी आने लगा है देखिए अब यहाँ पर हम एक सूती का कपड़ा बिछाए हैं उसी में हम चाटू को रखेंगे और यहाँ पर हम एक चाकू से घिसेंगे चम्मच से नहीं घिसेंगे चम्मच से गर्म हो जाएगा इसीलिए यहाँ पर हम चाकू से हम घिसेंगे और बहुत ही आसानी से छूट जाएगा देखिए किस तरह छूट रहा है इस तरह चाटू हो जाता है तो हम लोग साइड में रख देते हैं और हम लोग मार्केट जाते हैं मार्केट से नया चाटू खरीद के लाते हैं और इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन आज के बाद मार्केट से हम लोग चाटू खरीद के नहीं लाएंगे एकदम नया जैसा हम घर में बनाएंगे और किस तरह हम बनाएंगे और किस तरह हम साफ़ करेंगे और आप लोग के पास हम शेयर करेंगे और देखिए किस तरह आसानी से छूट रहा है देखिए यहाँ पर साइड वाला एकदम आसानी से छूट गया है इसी तरह हम पूरा चाटू को हम घिस के अच्छा से साफ करेंगे देखिए ये छूट गया है यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा सा लंबा किए हैं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा तब जाके आप लोग को पता चलेगा कि तो यहाँ पर हम किस तरह साफ़ किए हैं रखा तो हुआ था तो सोचे एक छोटा सा टिप्स बना के हम आप लोग के पास शेयर करेंगे जरूर आप लोग का पसंद आएगा और पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग जो लाइक करते हैं कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है लगता है मेरा एक सदस्य मेरा साथ जुड़ गया है देखिए किस तरह हम चाकू को अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं यहाँ पर हम चाकू से ही घिस के अभी साफ किए हैं आगे हम दिखाएंगे किस तरह एकदम चांदी जैसा चमकेगा मेरा चाटू लगेगा मार्केट से हम खरीद के लाए हैं उसी तरह हम चमकाएंगे देखिए यहाँ पर हम आसानी से सब हम छोड़ा लिए हैं गर्म करके छोड़ाने से एकदम आसानी से छूट जाएगा यहाँ पर हम जो घर में साफ़ करते हैं वही वाला हम आप लोग के पास शेयर किए हैं देखिए यहाँ पर अच्छा से घिस लिए हैं चाकू से और यहाँ पर हम आगे अच्छा दिखाएंगे किस तरह एकदम चांदी जैसा चमकेगा देखिए यहाँ पर चारों तरफ अच्छा से हम घिस लिए हैं और बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से हम दिखाएंगे यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे और देखिए कितना सारा कचरा निकला है अभी कचरा को हम उठा के फेंक देंगे और यहाँ पर हम साफ़ कर लेंगे थोड़ा सा और इसी कपड़े के ऊपर हम अच्छा से चाटू को रख करके घिसेंगे देखिए कितना सारा कचरा निकला है एक चाटू से इतना सारा कचरा निकला है जला हुआ राख निकला है थोड़ा सा मेहनत करने से चाटू किस तरह चांदी जैसा चमकेगा लेकिन हम लोग नहीं करते हैं साइड में रख देते हैं और बाज़ार से खरीद के लाते हैं लेकिन आज के बाद हम लोग बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाएंगे अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नींबू रखा हुआ था मेरा फ्रिज में वही वाला नींबू को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और चाटू अभी गर्म है गर्मा गर्म ही देने से अच्छा छूटेगा एकदम चांदी जैसा चमकेगा जितना आप सह सकेंगे उतना ही में दीजिएगा नींबू का रस पूरे चाटू में अब देखेंगे यहाँ पर हम जो बर्तन धोते हैं वही वाला साबुन से हम साफ़ करेंगे यहाँ पर मेरा साबुन रखा हुआ था जो हम बर्तन साफ़ करते हैं उसी से हम लेंगे ये वाला साबुन हम दिखाएँ आप लोगों को ताकि आप लोग को पता चलेगा कौन सा साबुन दिए हैं अब यहाँ पर देखिए वही वाला साबुन है जो बर्तन धोते हैं वही वाला ये बहुत ज़्यादा गीला हो गया है अब पूरा चाटू में हम मिलाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से हम पूरा चाटू में मिलाएंगे और देखिए किस तरह एकदम चमक आएगा चाटू में एकदम लगेगा मार्केट से खरीद के लाए उसी तरह लगेगा थोड़ा सा चाटू गर्म है इसीलिए हम थोड़ा छोड़ छोड़ के दे रहे हैं आप ठंडा होने के बाद भी दीजिएगा तो अच्छे तरह से साफ़ हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हम जल्दीबाजी में हैं इसीलिए यहाँ पर हम जल्दी जल्दी दे रहे हैं और जल्दी जल्दी साफ कर रहे हैं आपका पास अगर समय है तो रहने दीजिएगा साबुन दे करके पाँच से दस मिनट तक यहाँ पर हम ज़्यादा देर नहीं रहने देंगे पाँचे मिनट रहने देंगे साबुन दे करके और अभी पाँच मिनट हम छोड़ देंगे उसका बाद यहाँ पर हम साफ़ करेंगे और किससे हम साफ़ करेंगे आप लोग को दिखाएंगे पाँच मिनट मेरा यहाँ पर हो गया है और देखिए यहाँ पर हम एक बर्तन धोने वाला जो तार है उसी से हम साफ़ करेंगे यहाँ पर और हम कुछ नहीं डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी लेंगे और पानी दे करके अच्छी तरह से घिसेंगे और आप लोग के सामने यहाँ पर हम घिसेंगे बंद नहीं करेंगे हम वीडियो को चालू रहने देंगे और किस तरह हम साफ करेंगे आप लोग के पास हम शेयर करेंगे और देखिए यहाँ पर हम इस तरह करके घिस रहे हैं और देखिए एकदम चांदी जैसा चमकेगा एकदम लगेगा अभी हम मार्केट से खरीद के लाएँ उसी तरह लगेगा और ये छोटा सा टिप्स आप लोग का जरूर पसंद आएगा पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग जो लाइक करते कमेंट करते तो बहुत ही अच्छा लगता है लगता है मेरा एक सदस्य जुड़ गया है मेरे साथ और छोटा सा टिप्स आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सोनी होम ब्लॉग चैनल में बहुत ही उम्मीद के साथ ही छोटा सा हम टिप्स बनाए हैं टिप्स छोटा छोटा हम डाले हैं सोनी होम ब्लॉग चैनल में आप लोग जाके चेक करके और इसी तरह साफ़ करके हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरह हम साफ़ किए हैं और कैसा लगा आप लोग को देखिए यहाँ पर हम आप लोग को दिखा रहे हैं नज़दीक किस तरह चमक आ गया है मेरा चाटू में दोनों साइड देखिए किस तरह चमक आ गया है लगता है चांदी जैसा मेरा चाटू चमक रहा है अब देखिए यहाँ पर हम धो के दिखाएंगे आप लोग को किस तरह मेरा चाटू चमकेगा लगेगा अभी हम मार्केट पर हम धो के दिखाते हैं आप लोग को किस तरह मेरा चाटू में चमक आया है देखिए एकदम लग रहा है मार्केट से हम खरीद के लाए उसी तरह चमक आ गया है और बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से हम साफ करके हम आप लोग के पास शेयर किए हैं जरूर एक छोटा सा टिप्स आप लोग का पसंद आएगा पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बहुत ही उम्मीद के साथ हम एक छोटा सा टिप्स आप लोग के पास शेयर किए हैं देखिए लग रहा है ना मार्केट से हम खरीद के लाए हैं उसी तरह हम साफ़ किए हैं बहुत ही चमक आ रहा है देखिए एकदम आज के बाद हम लोग मार्केट से सामान इस तरह खरीद के नहीं लाएंगे। सामान रहता है वो वाला हम लोग साइड करके रख देते हैं लेकिन आज के बाद हम लोग साइड करके रखेंगे नहीं आज के बाद हम लोग घर में चमकाएंगे इस तरह